तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बाई ट्रेन यात्रा की। और इसमें आप सभी को बता दूं कि भाई दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने वाली है। वो कब से चलेगी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसका किराया क्या होने वाला है वो सब भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और भाई अमरनाथ यात्रा 2024 से रिलेटिव आप लोगों ने अपने भाई का बहुत साथ दिया। और इस बीच बहुत सारे लोगों की क्वारी आई थी कि भैया जो रेलवे है वो कब तक हमारी कटरा से आगे के लिए चालू हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कटरा तक लास्ट स्टेशन है और कटरा से आगे भी कोई भी हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी जो कि हमारी दिल्ली से कनेक्टिविटी हो जाए। तो गाइज उसके लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि जो अब आपका आने वाला समय है भाई, यानी कि अगले साल जो आपका 2025 की जनवरी आएगी या उसके बाद जो अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है, तो अब आपको भाई कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सीधा क्या करना है कि आप अपना आपको सीधा दिल्ली से या आप दिल्ली से पीछे से जहाँ से भी आते हैं आपको सीधा श्रीनगर की ट्रेन मिल जाएगी। श्रीनगर से क्या होगा, वहाँ से अमरनाथ यात्रा बहुत पास में रह जाती है, तो कुछ एक दो घंटों का सफ़र करके आप भाई डायरेक्ट अपना फ्रस्किंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं यात्रा के लिए। तो ये तो है भाई अमरनाथ यात्रा वालों के लोगों के लिए बात। अब उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग कश्मीर घूमना चाहते हैं, तो भाई वो डायरेक्ट कश्मीर कैसे जाएंगे। देखिए जनवरी 2025 में दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चला दी जाएगी। इसका भाई अभी जो अपडेट आया है वो अपडेट आया रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली से और श्रीनगर के लिए वंदे भारत स्लीपर इस साल जनवरी में आपकी चालू हो जाएगी। मतलब 2025 में आपको शुरुआत में ये नए साल पे तोहफा मिल जाएगा और आप डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर तक जा सकते हैं। इससे भाई ये होगा कि वहाँ की जो कश्मीर की वादियाँ हैं, ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जो डायरेक्ट आपको कश्मीर की वादियों में ले जाएगी, ठीक है। और उसके साथ में मैं बता दूँ जो दिल्ली से पीछे से लोग आते हैं, कोई गुजरात से आता है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी ट्रेनें सीधा श्रीनगर तक जाएंगी जो कि अभी तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती हैं। तो गाइज इस पर क्या है कि पहली जो स्लीपर वंदे भारत चलाने का जो अभी वो हुआ है कि वो जनवरी में चल जाएगी और बाकी ट्रेन भी इसके बाद ही चल जाएंगी लगातार। और आप अगले साल तक जो है कि कश्मीर और जो अपनी दिल्ली है, जो अपना देश का बाकी हिस्सा है, वो सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगा एक दूसरे से। तो किसी भी इंसान को अगर कश्मीर घूमने जाना है, कश्मीर किसी काम से जाना है, या भाई आप कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने जा रहे हैं, टाइम बिताने जा रहे हैं, तो आप इजीली बाय ट्रेन भी यात्रा कर सकते हैं। अभी आपको एयरपोर्ट से जाना है तो श्रीनगर एयरपोर्ट भाई दिल्ली से एयरपोर्ट जा सकते हैं, या कहीं से भी श्रीनगर एयरपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। और बस से भी आप जा सकते हैं, लेकिन बसें बहुत कम है और फ्लाइट का किराया इतना ज़्यादा कि भाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिनका भाई एक नॉर्मल सा बजट रहने वाला है, जिनका ज़्यादा बजट नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या रहेगी ट्रेन की। देखिए ये जो ट्रेन है ना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ये चलेगी रात को 8 बजे, ठीक है। रात को 8 बजे कहाँ से चलेगी, दिल्ली से चलेगी, और आपको सुबह के 8 बजे आपको श्रीनगर उतार देगी। मतलब कि टोटल 12 घंटे का सफ़र में आपको ये दिल्ली से श्रीनगर पहुँचा देगी। मतलब कि दिल्ली से माता वैष्णो देवी के 8 घंटे और 3 से 4 घंटे आपको आगे के लेगी श्रीनगर तक पहुँचाने के। इस बीच आप भाई आपको क्या है, जो आपको चेनाब ब्रिज है दुनिया का भाई सबसे ऊंचा ब्रिज है वो अपने भारत में, उसके ऊपर से होके ट्रेन निकलेगी और जैसे कि बाकी ट्रेन है वो भी इसके ऊपर से ही होके निकलेंगी, ठीक है। तो चेनाब ब्रिज के आप खूबसूरत नज़ारों के साथ मज़े लेते हुए आप आगे की अपनी जर्नी कर सकेंगे। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ और है, मैं आपको बता दूँ कि जो भाई आपको स्लीपर वंदे भारत है, अभी आप सबको पता है कि भाई सीटिंग प्लान सबको मिल रहा है, बैठने का प्लान था, ठीक है। उसमें आपको जो किराया है माता वैष्णो देवी तक का देखें तो 1600 रुपये का है, और उसके आगे का जो किराया है वो आपको 3000 रुपये का किराया है, ठीक है। तो मतलब 1600 और 3000 दो तरह के किराए चलते हैं वंदे भारत में। इसके बाद वंदे भारत में क्या चलने वाला, देखिए जो इसके बाद वंदे भारत चलेगी उसमें ये दे रखा कि भाई थर्ड एसी जो स्लीपर है उसका किराया अप्रोक्स 1800 से 2000 रुपये रहेगा, सेकेंड एसी का जो किराया है वो रहेगा आपका 2500 के आसपास, और फर्स्ट एसी का किराया रहेगा 3000 से 3500 के बीच, ये किराया रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपकी है भाई वंदे भारत से रिलेटिव। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये ट्रेन आपको कब से मिल जाएगी। देखिए तो जैसे आप लोगों का भाई किसी का क्वेश्चन है कि दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन कब शुरू होगी, तो देखिए इसमें सबसे पहला आ चुका है भाई, ये आ चुका है कश्मीर की यात्रा करना बहुत आसान होने वाला है क्योंकि भारतीय रेलवे दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन करने शुरू जा रहा है, जिसके जनवरी 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। मतलब कि भाई उम्मीद है तो मतलब हो जाएगी, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। घाटी में आना जाना अक्सर लोगों के लिए बहुत चुनौती होता था, तो ये चुनौती अब लोगों के लिए आसान हो जाएगी।
तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमारी USRBL प्रोजेक्ट के तहत था, ठीक है। तो ये हमारा जल्दी रेडी हो जाएगा, इससे बहुत सारे यात्रियों को फ़ायदा होगा, स्पेशल उन यात्रियों को फ़ायदा होगा जो कि अमरनाथ यात्रा पर जाने जाते हैं। तो अभी तक जम्मू जाते थे, जम्मू से फिर उन्हें बस पकड़ना पड़ता था, अगले दिन वेटिंग करना पड़ता था, फिर उसके बाद वो पहलगाम या बालटाल पहुँचते थे। तो इस साल उनके लिए थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा और वो ईजिली क्या करेंगे, अपना डायरेक्ट श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, बाय ट्रेन के द्वारा। वहाँ से बस पकड़ लीजिए, टैक्सी पकड़ लीजिए, जो कि आपको इजीली पहुँच जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ है, कश्मीर के जो लोग थे उन्हें बाकी अपनी कंट्री से इंडिया से कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। पहले बसों से कनेक्टिविटी बहुत दिक्कत होती थी, तो अब उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और कि 2025 की अमरनाथ यात्रा में कौन कौन जा रहा है, तो प्लीज़ इसका अपडेट ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए 2025 की यात्रा भी बहुत खास होने वाली है। फाइनली मैं तैयारी कर रहा हूँ अगले साल फिर यात्रा की, आप लोग भी तैयारी करना चालू कर दीजिए अभी से, ठीक है। तो ये एक अपडेट था छोटा सा जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से था। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।